नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानेंगे नैनो यूरिया के बारे में, जो जानकारी आपको कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे आप सही तरीके से उर्वरकों को या दूसरी चीज़ों को यूज करके अपनी फसल की लागत कम करके अच्छा उत्पादन ले पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इफको की नैनो यूरिया ये एक अलग तकनीकी पर आधारित अलग टेक्नोलॉजी यूज की गई है और विश्व की पहली ऐसी तकनीक है जो इफको द्वारा तैयार की गई है और उसी के द्वारा इसको पेटेंट किया गया, यानी दूसरा अभी किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। अब नैनो यूरिया बहुत से किसान भाई डालते हैं अपने खेतों में, लेकिन उनकी शिकायत रहती है कि यार ये तो काम ही नहीं किया, मेरा पैसा तो बेकार चला गया। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है, क्योंकि जब तक आपको किसी भी चीज़ को यूज करने का तरीका नहीं पता होगा, किसी चीज़ की जानकारी पूरी नहीं होगी, तब तक आपके मन में यही सोच रहती है। तो सही तरीका आप जान करके ही यूज करेंगे, तब भी आपका पूरा पूरा फायदा उस चीज़ से ले पाएंगे। तो ऐसा ही तरीका आपको कुछ नैनो यूरिया में भी यूज करना है। चलिए हम नैनो यूरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए दोस्तों, नैनो यूरिया फर्टिलाइजर कंट्रोल आर्डर में शामिल किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि आपको भी पता है कि जो उर्वरकें हैं आजकल हम डालते हैं बोरी ला करके सीधे खेतों में, तो उसमें से बहुत सी उर्वरक, जैसे नाइट्रोजन की बात करें हम, यूरिया जो 46% की आती है उसकी बात करें, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी मात्रा ऐसी होती है जो वातावरण में नाइट्रोजन के रूप में गैस के रूप में बदल करके वातावरण में मिल जाती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। बहुत सी उर्वरक जो है लिंचिंग के माध्यम से, नाइट्रोजन लिंचिंग के माध्यम से पानी में नीचे चली जाती है, जिससे पानी भी दूषित होता है। तो वातावरण भी दूषित हो रहा है, पानी भी दूषित हो रहा है, और ज़्यादा हम यूज करते हैं तो हमारी मिट्टी भी दूषित होती, यानी मिट्टी भी खराब होती चली जा रही है। ये तो सब को पता ही है। इसी कारण से इफको ने नैनो यूरिया को निकाला था, जिसका मुख्य मकसद था कि वातावरण भी सही बना रहे, किसान की उपज भी अच्छे से मिल जाए, किसान की मिट्टी भी ना खराब हो और पानी भी दूषित ना हो। तो इसलिए जब आप नैनो यूरिया की बात करते हैं तो इसको आप यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल करने का एक जरिया कह सकते हैं, यानी आपको बहुत कम मात्रा में डाल करके अच्छे से अच्छी पैदावार मिल सके, यही उद्देश्य से ये चीज़ तैयार की गई है। तो अब हम इसके बारे में पहले छोटी बातें बताते हैं, फिर सावधानियां बताएंगे, फिर प्रयोग करने का तरीका बताएंगे। देखिए, एक बोतल नैनो यूरिया एक बोरी की जगह ले सकता है, ऐसा कंपनी ने बताया है। लेकिन हम लोगों ने जब डाला तो ऐसा तो कुछ दिखा नहीं, क्योंकि इसके पीछे का कारण हमें तो पता नहीं था और हमने समझ लिया कि एक बोरी की जगह पर तो ये काम ही नहीं करती है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम यूरिया डालते हैं सीधे अपने खेत में बिखेरते हैं या उस यूरिया को हम स्प्रे करते हैं, तो होता क्या है कि जो हम यूरिया डालते हैं उसको पौधा बहुत जल्दी से अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन को खींच लेता है, यानी जो क्षमता होती उससे कहीं, जो आवश्यकता होती है पौधे को उससे कहीं ज़्यादा पौधा नाइट्रोजन को खींच लेता है। इसी कारण से जो है पौधा बहुत जल्दी हरा भरा दिखाई पड़ता है और कुछ ही टाइम के बाद आपको नाइट्रोजन की कमी पौधे पर फिर से दिखाई पड़ने लगती है और दोबारा बहुत जल्दी फिर से नाइट्रोजन देना पड़ता है, जिस कारण से मैंने पहले ही बता दिया कि वातावरण भी प्रभावित होता, बहुत सा नुकसान होता है। तो इसमें ऐसा दोस्तों नहीं है, क्योंकि नैनो यूरिया को जब आप स्प्रे करते हैं, क्योंकि इसको पत्ती पर ही स्प्रे करना रहता है, आप खेत में सीधे मिट्टी में तो नहीं दे सकते हैं, तो जब आप स्प्रे करते हैं तो ये रंध्रों के द्वारा, जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, वो आसानी से रंध्रों के द्वारा पौधे के अंदर पहुँच जाता है और कोशिकाएँ इसको अवशोषित कर लेती हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं 20 से 50 नैनोमीटर के होते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिसके कारण इसको पौधा पत्तियों के माध्यम से, रंध्रों के माध्यम से अवशोषित कर लेता है और कोशिकाएं इसको संरक्षित कर लेती हैं, यानी एकत्र कर लेती हैं, और ज़रूरत के हिसाब से पौधे को कोशिकाओं के माध्यम से नाइट्रोजन मिलती रहती है, यानी जितनी पौधे को ज़रूरत होती उतनी ही पौधे को मिलती है और बाकी जो है ये संरक्षित रहती है कोशिकाओं में। जबकि जो बोरी वाली आप यूरिया डालते हैं या उसका स्प्रे करते हैं तो उसके साथ में ऐसा नहीं होता, उसके साथ में इसके बिल्कुल उल्टा होता है, यानी बहुत तेज़ी से ज़्यादा मात्रा में पौधा नाइट्रोजन को ले लेता है और बाद में कुछ समय के
बाद उसकी कमी दिखाई पड़ने लगती, जबकि इसको और ज़रूरत के हिसाब से पौधे को लंबे समय तक मिल जाती है, जिससे पौधे का विकास और वृद्धि निरंतर रेगुलर होता रहता है और नाइट्रोजन की कमी पौधे में नहीं होती है। अब दूसरी चीज़ यदि हम बात करें तो नैनो यूरिया में मात्र 4% नाइट्रोजन होती है। 4% नाइट्रोजन होने के कारण किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और यहीं पर जो नैनो यूरिया होती है वो फेल हो जाता है। अब 4% नाइट्रोजन होने के कारण किसान भाई क्या सोचते हैं कि यार इसमें तो बहुत कम नाइट्रोजन है, कि जबकि हम बोरी वाली डालते हैं तो उसमें 46% नाइट्रोजन होती है। अब होता क्या है, जो हम बोरी वाली नाइट्रोजन डालते हैं तो उसका 25-30-40% तक जो है वो नाइट्रोजन गैस के रूप में बदल करके और वातावरण में मिल जाती है। 5-10% जो है मिट्टी में ही पड़ी रहती है, जिसको पौधा नहीं लेता है। बाकी 10-15%-20% तक लिंचिंग के माध्यम से नीचे पानी में चली जाती है। जो शेष मात्रा बचती है वो पौधे को मिलती है, वो भी पौधा बहुत तेज़ी से लेता है और बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाती है। जबकि इसमें क्या होता है, 4% जो नाइट्रोजन होती है वो नैनो के रूप में यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कोशिकाओं में संरक्षित रहती है, जिससे आवश्यकता के अनुसार पौधे को मिलती रहती है और ना तो ये वातावरण में गैस के रूप में ख़राब होती है, ना तो लिंचिंग के माध्यम से मिट्टी और पानी में जाती है। तो जो 4% होती है वही पूरी की पूरी यूरिया पौधे को मिल जाती है, जिससे ये पौधे में आसानी से पहुंचती है और किसी तरह का इसमें ह्रास नहीं होता, यानी किसी तरह की नाइट्रोजन का नुकसान नहीं हो पाता है, जिसके कारण पौधे को जो आवश्यकता होती है वो आसानी से पौधे तक मिलती रहती है। अब आप में से बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जो इसकी कम मात्रा देख करके क्या करते हैं, कुछ दूसरी उर्वरकों को डाल देते हैं। जैसे वो सोचते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की आदत है कि जो उस उर्वरकों का स्प्रे करना है सबको एक साथ मिला करके स्प्रे कर दो, जिससे आसान हो जाए, कम पानी में स्प्रे कर दो और जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर दो, और यही गलती हम करते हैं। नैनो यूरिया ये काम नहीं करती। तो आपको करना क्या है कि इसके साथ में किसी भी नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को नहीं मिलाना, जैसे 19-19-19-12-61 और दूसरी जो अन्य उर्वरकें हैं, जैसे कोई भी उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन होती, उन उर्वरकों को आपको इसके साथ में नहीं मिलाना है, क्योंकि वो उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो दूसरी टेक्नोलॉजी पर होती है और इसमें जो नाइट्रोजन है वो दूसरी टेक्नोलॉजी पर है, जो कंपनी ने खुद बताया है बाद में कि एक दूसरे में जब इसको मिक्स करते हैं तो दोनों की दोनों नाइट्रोजन फेल हो जाती हैं और किसी का रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता। तो सीधे साफ हो गया कि इसके साथ आपको दूसरी नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को नहीं मिलाना है। कोशिश करें कि इसका अकेला स्प्रे करें, और या तो फिर आप जो ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं तो ग्रोथ प्रोमोटर को डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। बाकी जिंक आदि जो चिलेटेड होती है उसको स्प्रे कर सकते हैं। चिलेटेड जिंक के अतिरिक्त जो है आपको दूसरी जिंक को नहीं डाल, जब आप इसका स्प्रे करें तो समान रूप से आपको पौधे पर एक तरफ से दूसरी तरफ करना है और बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों के साथ मिला करके नहीं डालना है, और पर्याप्त नमी हो तभी आप इसको यूज करें और फिर आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, आपको खेत उतना ज़्यादा हरा भरा नहीं देखने को मिलेगा जैसे आप बोरी वाली यूरिया डालते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि नैनो यूरिया डालने से आपको किस तरीके से फ़ायदा मिलता है और किस तरीके से आपको यूज करना चाहिए जिससे आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिले, क्योंकि अक्सर हम छोटी गलतियां करने के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठा लेते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।